मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान शिकंजा के तहत कई पुराने फरारी वारंटियों को तत्काल गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने सभी थाना प्रभारियों को सूचित किया है कि पुराने रिकॉर्डेड वारंटी की तलाश शुरू करें। पुलिस अधीक्षक तिवारी के इस फैसले से सभी थाना प्रभारियों ने ठोस कदम उठाए हैं और कार्यवाही तीव्र की गई। जावरा के औद्योगिक थाना जावरा शहर थाना अंतर्गत शातिर रिकॉर्डेड अपराधी वासिम चोकड़ी, जो पुलिस की निगाहों से दूर भागा हुआ था, लेकिन पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर आखिर आरोपी वसीम चोकड़ी को रतलाम के एक बड़े ढाबे से टीम बनाकर गिरफ्तार किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने मीडिया को बताया कि वासिम चोकड़ी निवासी पठान टोली के हत्या और लूट डकैती चोरी अवैध हथियार जैसे कई प्रकरणों और कई थानों पर लिप्त हैं। एक बाइक चोर को भी जावरा औद्योगिक पुलिस ने पकड़ा, जिसके पास से एक बाइक जब्त की और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। जिसका नाम है वसीम उर्फ चोकड़ी, तो ये बहुत पुराना अपराधी है, 27 वर्ष का है, लेकिन इसने 2010 से ही अपराध करना चालू कर दिया था। पहला अपराध इस पर 2010 में पंजीबद्ध हुआ था। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस पर स्थायी वारंट थे और बहुत समय से इसकी तलाश थी। विधानसभा लोकसभा में जब टीम बनी थी तब भी इसको हमने पकड़ने की पूरी कोशिश की और फाइनली ये जाकर के साइबर टीम की मदद से हमें कल मिला है और आज इसको हम न्यायालय में पेश करेंगे। सर, किस प्रकार के इसके अपराध पंजीबद्ध क्या मतलब वैरायटी के प्रकरण इस पर थे। इसने हत्या का प्रयास भी किया है, लूट भी की है, मारपीट भी की है, चोरी भी की है, गृह भेदन भी किया है। इस प्रकार से हर प्रकार के लगभग 19 अपराधों में ये आरोपी था और इस पर रासुका भी पहले एक बार हुआ है और बहुत बार ये जेल जा कर के आया है। अब इसका क्या किस प्रकार पकड़ा गया सर, कहाँ से पकड़ा गया? पिटोल नाम की एक जगह है, वहाँ की हमें सूचना मिल रही थी तो वहाँ पर हमारी टीम ने बिना देरी किए गए वहाँ पर, और जैसे ही मौका मिला ढाबे पर ये बैठ करके चाय पी रहा था तो वहाँ से इसको पकड़ करके ले गया। इसके साथ में किसी प्रकार को गिरोह वगैरह भी सक्रिय किया? अभी तक उसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, उसके बारे में भी जांच की जा रही है, जैसा भी पता चलेगा तो आपको बताएंगे। सर, इतने समय से सर फरार था, इसको जो इसने शरण दिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल, पूरा इसका बैकग्राउंड सर्च किया जाएगा कि कहां कहां रहा है इस बीच में, और जिन्होंने भी इसको शरण दी होगी उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी दूसरे शहर में प्रकरण? हाँ, यहाँ पर तो औद्योगिक क्षेत्र जावरा शहर में इसके प्रकरण है ही, लेकिन इसके उज्जैन जिले में भी महितपुर और महाकाल थाना में इस पर प्रकरण पंजीबद्ध है। उज्जैन में कौन धाराओं पर? उज्जैन में अलग अलग जगह अलग अलग धाराओं में है। उज्जैन में इस पर चोरी का है और महितपुर में आर्म्स एक्ट का है। ओके सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।